यूजीसी न्यू गाइडलाइंस। सितंबर में होंगे यूनिवर्सिटीज के फाइनल एग्जाम्स। कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है। सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस बंद है। यहां पढ़ने वाले छात्रों के बीच में मीड टर्म या फाइनल एग्जाम को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसे सोमवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्पष्ट किया है। विश्वविद्यालयों की फाइनल ईयर और सेमेस्टर की परीक्षाओं शैक्षणिक कैलेंडर को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट किया, एकेडमिक गाइडलाइन जारी की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस के अनुसार इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्रों का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। यूजीसी की नई गाइडलाइन के मुताबिक टर्मिनल सेमेस्टर के छात्रों का मूल्यांकन जो जुलाई के महीने में परीक्षाओं के मध्यस्थ से किया जाना था, अब उनकी परीक्षाएं सितंबर 2020 के अंत तक आयोजित की जाएंगी। इससे स्पष्ट है कि यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम्स रद्द नहीं होंगे। इससे पहले कहा जा रहा था कि यूजीसी की एक कमेटी ने फाइनल ईयर के एग्जाम्स को भी रद्द करने की सिफारिश की है। वहीं इंटरमीडिएट सेमेस्टर की बात करें तो यूजीसी की नई गाइडलाइन के अनुसार इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्रों का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन्हें बिना एग्जाम्स आगे बढ़ाया जाएगा।